मुझे अपने देश पर गर्व है और हो भी क्यों नहीं। मैं उससे बात की और करूँ भी क्यों नहीं। वो मेरे साथ खड़ा है और हो भी क्यों नहीं। गाइस, इस प्रकार की छोटी छोटी वाक्यों को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने से पहले हमको पहले जानना पड़ेगा और हो भी क्यों नहीं इसे हम क्या कहेंगे, और हो भी क्यों नहीं इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एंड वाई नॉट, एंड वाई नॉट। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा कॉम्प्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है एंड वाई नॉट, इसके बाद सब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। मुझे अपने देश पर गर्व है और हो भी क्यों नहीं। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड वाई नॉट आई। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड वाई नॉट आई। मैं उससे बात की और करूँ भी क्यों नहीं। आई टॉक टू हिम एंड वाई नॉट आई। आई टॉक टू हिम एंड वाई नॉट आई। वो मेरे साथ खड़ा है और हो भी क्यों नहीं। ही इज स्टैंडिंग बाई मी एंड वाई नॉट ही। ही इज स्टैंडिंग बाई मी एंड वाई नॉट ही। मैं वहाँ गया और जाऊँ भी क्यों नहीं। आई वेंट देयर एंड वाई नॉट आई। आई वेंट देयर एंड वाई नॉट आई। मुझे अपनी संस्कृति पर गर्व है और हो भी क्यों नहीं। आई एम प्राउड ऑफ माई कल्चर एंड वाई नॉट आई। आई एम प्राउड ऑफ माई कल्चर एंड वाई नॉट आई।